हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईट गुड। मैं हूं शुभांगी और तो आज मैं और मेरी मॉम एक साथ बनाने जा रहे हैं गोचूलो की एक बंगाली रेसिपी। बंगाल में लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं, मगर आज हमने इसमें कोई भी फिश नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें प्रॉन्स या फिर कोई भी फिश है डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हमने 400 ग्राम कोचू लोदी का ऐसे छोटे साइज में काट कर 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है ताकि इसका कसैलापन दूर हो जाए। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया है, 2 टीस्पून हमने लहसुन लिया है, 2 टीस्पून सरसों को हमने पेस्ट बना लिया है, जीरा पाउडर लिया है 2 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून, 4 हरी मिर्च का हमने बीच से चीरा लगा के रखा है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काला जीरा लिया है। तो एक पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे, उसके बाद काला जीरा डाल देंगे, गार्लिक डालेंगे, लहसुन को हमने छोटे साइज में काट लिया है, प्याज डालेंगे, हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, इसे चलाते रहेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और अब इन कोचू लोटी को भी डाल देंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसे हाई फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और हर 2 मिनट के बाद इसे खोलकर चला देंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। अब इसमें सरसों का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमने 1/2 कप पानी डाला है, फिर से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालेंगे, थोड़ा सा चीनी डाला है हमने, और इसे ढक देंगे। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। सरसों का पेस्ट डालने के बाद ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो देखिए काफ़ी हद तक पक चुका है, इसे थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे राइस के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो के नीचे का लाइक का बटन क्लिक कीजिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।